वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और ब्रेक के बाद आए हैं और डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि अब दिसंबर को मैं हमेशा कहती हूँ शादियों का एक महीना डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस महीने में लोग सिर्फ शादियां करते हैं और इस शादी के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस होती है, ड्रेसेस ले से लेकर मेकअप, हेडू, इतनी ज़्यादा प्लानिंग होती है। और आज अभी चूंकि जनवरी भी जो 2019 में आने वाला है उसमें भी बहुत सारी शादियाँ होने वाली है, तो जिन लोगों को ड्रेसेस के हवाले से थोड़ी कंफ्यूजन है कि अच्छा हम किस तरह के ड्रेस पहने, कौन सी कलर स्कीम्स होनी चाहिए, किस तरह के कट्स होने चाहिए, ये आज हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। जनाब हमें मिशाल उस्मान ने ज्वाइन किया है जो कि डिज़ाइनर है, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिशाल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बहुत बिजी रहेंगे, मुझे आइडिया हुआ, क्योंकि मिशाल का ये सीजन डेफिनेटली जब शादियों का सीजन होता है डिज़ाइनर्स का पूरा टाइम बिजी गुजर, बिल्कुल नवंबर बल्कि अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, फिर फेब तक जाता है बिल्कुल, अब तो थ्रू आउट द ईयर शुरू हो गया डेफिनेटली। अच्छा जनाब, और हम फैशन डिज़ाइनिंग की तो बात करेंगे लेकिन उसके साथ साथ मीडिया इंडस्ट्री से भी हमें एक खातून ने ज्वाइन किया है, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं मलाइका अली, उनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मलाइका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी शादियाँ अटेंड करेंगे? मैं इतनी तंग आ चुकी हूँ क्योंकि इतनी सर्दी में शादी अटेंड करना इट्स नॉट इजी। एग्जैक्टली, सो ये वाकई मतलब जो दिसंबर है मेरे ख्याल से इसको वाकई शादियों का महीना सीजन कह देना चाहिए, महीना कह देना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा मिशाल, चूंकि 2018 अब एंड होने को आ चुका है, क्या ट्रेंड्स रहे और अब आइंदा आने वाले साल में क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं कलर्स के हवाले से, ड्रेसेस के हवाले से? कलर्स एंड ड्रेसेस जो है जैसे थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही रहा है कि मेहंदी पे जैसे लहंगा और चोली हो गया, गरारा हो गया, बारात पे थोड़ा सा और गरारा हो गया, स्ट्रेट पैंट्स होंगी, आजकल तो सब कुछ चल रहा है। इट जस्ट मैटर्स कि आपने उसको कैरी कैसे किया हुआ है। अच्छा, क्यूलॉट्स बहुत ज्यादा आए थे, पेपलम्स बहुत 2018 में चल रहे हैं, ये आगे होने वाला कंटिन्यू ट्रेंड अगर देखा जाए 2000, मुझे लगता है कि होगा, लेकिन अब लॉन्गर लेंथ भी आ रही है ना, लॉन्गर लेंथ वैसे बड़ी कम्फर्टेबल आपको आपकी फिजिक के अकॉर्डिंग। अच्छा, कट्स और ये सारे जो हम पेपलम्स की बात कर रहे हैं और थोड़े फ्लेरी ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, हर तरह की फिजिक पे सूट कर जाते हैं, हर तरह की फिजिक पे। अच्छा मिशाल, आपकी कलेक्शन में, इस बार की कलेक्शन में क्या क्या चीजें आपने ऐड की हैं, और क्योंकि अभी हम आपकी कलेक्शन डेफिनेटली देखेंगे भी, तो किस तरह के कपड़े हैं? अभी जैसे विंटर सीजन है तो मैंने मटेरियल को थोड़ा सा जैसे वेलवेट्स ऐड की हैं, ठीक है, सिल्क्स की हैं, टिश्यू किया है, ऑर्गेन्जा बहुत है इन्हें, तो इनके ऊपर काम किया है, मतलब हैवी वर्क जो शादियों के जिनके क्लोज होते हैं उनको तो हैवी वर्क चाहिए, तो इसी तरह से दबका और कुंदन जरी का भी कपड़ा यूज किया है, टिश्यू पे बहुत काम हो रहा है, टिश्यू पे बहुत ज्यादा काम। अच्छा मिसल, आपको लगता है वेलवेट्स और अब बहुत ज्यादा भरे हुए कपड़े लोग पहनना शुरू हो गए, पहले अब अनमैरिड भी और पहले ये होता था मेहंदी बारात पे चलो हैवी कर लिया, लेकिन हाँ। अब तो लोगों ने ढोलक जो करना शुरू कर दी है बड़ी, और माइयों पे बहुत फुल हैवी मेकअप, की तादाद में भी इजाफा हो गया ना, संगीत, कवाली नाइट, और उसके लिए सबने भरे हुए कपड़े शुरू कर दिए, इनफैक्ट अच्छा ब्राइडल शावर, ढोलक, अब तो वो एक इस्लाम्बो पार्टी भी है, फलानी पार्टी भी है, बहुत सारे संगीत नाइट, कवाली नाइट, सब कितने चोंचले शुरू कर देते। अच्छा, आपसे जानेंगे हम मलाइका, आपका जो करियर रहा एक्टिंग का, मॉडलिंग का, किस तरह से आगाज हुआ उसका? एक्चुअली मेरा जो स्टार्ट था वो एक्टिंग से स्टार्ट हुआ है, और मैंने स्टार्टिंग में एक ड्रामा किया और उसके साथ साथ मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। जी बिल्कुल। तो किस मतलब होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हम इस फील्ड में हाथ साथी तौर पर आ गए, हमारा प्लान नहीं था, आपका प्लान था? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि मुझे ना मेरी फैमिली की तरफ से परमिशन ही नहीं थी। अच्छा। कि मतलब वो इसको लाइक ही नहीं करते थे कि भाई आप इस फील्ड में जाओ। मुझे इस कदर शौक था इस चीज का कि मैं मतलब के मतलब मॉडलिंग का शौक तो नहीं था लेकिन मेरा दिल था एक्टिंग का था मुझे। अच्छा। तो बहरहाल मैंने रो धो के अपने आप को इस फील्ड में लेकर आई हूँ मैं, बिल्कुल, लेकिन विदाउट रेफरेंस, मतलब किसी का रेफरेंस नहीं है, मतलब ये बस लिंक से आई हूँ कि मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, देन उसके कॉन्टेक्ट से आगे, तो बिल्कुल मैं इतनी क्रेजी थी कि मैं सारा दिन वेट करती थी वहाँ पे, मॉर्निंग में मैं 9 बजे पहुँच जाना, सीन रात को 10 बजे होना, मतलब इतना मुझे शौक था कि जहाँ बंदे का इंटरेस्ट हो ना वही करना। तो और अब वो टाइम आ गया कि अब नखरा सा हो गया, इतना वेट नहीं करना, अब नहीं करना। अच्छा मलाइका, आजकल के प्रोजेक्ट्स की बात कीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री में, आपको हर बंदे को कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, चाहे एक्टिंग है चाहे मॉडलिंग है, बिल्कुल। आप किस तरह से देखती है?
मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअली बात ये कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हर किसी को देखें वो कहते हैं भी मैं मॉडल हूँ मैं एक्ट्रेस हूँ तो इस वजह से मतलब मेरा जो एक ख्याल है कि इसमें डिफरेंट क्या हो सकता है कि आप अपनी मेहनत से बस काम करें डिफरेंट चीज तभी होती है जब आप मेहनत से और दिल से वो काम कर रहे होते हैं कॉम्पिटिशन तो हर फील्ड में हर फील्ड में लेकिन यहाँ मॉडलिंग फील्ड में बहुत ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल डिजाइनर्स भी बहुत ज्यादा है हाँ मैं यही कॉम्पिटिशन वाला सवाल मिशाल आपसे भी करने वाली थी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है इवन डिजाइनर्स के हवाले से भी आपका तो बाकायदा तौर पर गुलबोग भी स्टूडियो कहाँ पे मिशाल आपका जहूर इलाही रोड पे मिशाल का जो है वो स्टूडियो मिशाल लेकिन स्टूडियो के अलावा ऑनलाइन बेस्ड बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो पाकिस्तान में तो काम कर रही है लेकिन बाहर भी उनकी जो ऑनलाइन मार्केटिंग और सारा कुछ चलता रहता है मेरा भी बाहर बहुत ज्यादा जाता है इंग्लैंड अमेरिका इवन सिंगापुर दुबई लवली अच्छा वहाँ के लोग बड़े ईस्टर्न ड्रेसेस को क्रेव करते हैं मैंने नोटिस किया उनकी होती है कि हमें थोड़े ट्रेडिशनल कपड़े मिलने चाहिए तो ऑनलाइन उनके लिए ऑनलाइन उनके लिए वहाँ पे पार्टीज वो लोग बहुत करते हैं अच्छा जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनकी वो लोग प्रॉपर गर्ल्स नाइट करते हैं कवाली नाइट करते हैं फिर उसके लिए वो ऑर्डर करते हैं कि हमारा इस तरह से है प्रॉपरली अच्छा हम लोग नहीं करते जितना वो लोग करते लवली तो किस तरह का सेमी फॉर्मल्स और फॉर्मल्स तो इस कंपटीशन में क्योंकि हर एक की अपनी एक स्किल है क्या लगता है कितना मुश्किल है स्टैंड आउट करना कुछ डिफरेंट लाना कट्स को डिजाइन्स को मद्देनजर जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो बहुत मुश्किल है देखना पड़ता है कि लोगों को आजकल क्या चाहिए कैसा चाहिए क्वालिटी मैटर्स स्टिचिंग इवन स्टिचिंग के जो कट्स स्टिचिंग आई सो एग्री विद दैट जितना मर्जी प्यारा डिजाइन हो जब तक स्टिचिंग या उसकी जो फिटिंग अच्छी ना हो तब तक मजा जब तक स्टिचिंग बिल्कुल तो स्टिचिंग के लिए क्या कोई प्रॉपर आपने आपने घर पर या स्टूडियो में रखे हुए स्टूडियो में है यूनिट लगाया हुआ है और वहाँ पे अच्छा मुश्किल नहीं होता मिसाल अब फैमिली को भी मैनेज करना तो होता है क्योंकि यू हैव बेबीज राइट किड्स तो उनके साथ अपने काम को लेकर चलना मुश्किल हो जाता है फिर जैसे कुछ होता है तो फिर थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती हूँ अभी वेट कर रही हूँ थोड़े से वो ग्रो अप हो जाए हाँ, तो फिर प्रॉपरली जरा ज्यादा है अच्छा मिसाल आपकी कलेक्शन हम देखें चल करके अब क्योंकि ये लेटेस्ट कलेक्शन है मिसाल की तो उसको हम चेक करते हैं जाप हम उस तरफ चलते हैं यहाँ से इधर से शुरू करते हैं अच्छा मिशाल ये वाला ड्रेस में जो हाथ में पकड़ने लगी हूँ ये मेहंदी पे मायों पे बारात पे किसी के भी पहन सकते हैं हेवी वर्क है इस पे अच्छा इसके नीचे क्या है गरारा शरारा है दिस कलर इज वेरी नाइस गरारा विद इट लवली 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 और ये टिश्यू पे है राइट ये ऑर्गेंजा ऑर्गेंजा है ओके अच्छा ये कलर वैसे मेहंदी के अकॉर्डिंगली ज्यादा हाँ मेहंदी के लिए लेकिन लोग बारात पे भी पहन रहे अब तो वलीमे पे बस होता है थोड़ा सा सटल हो बट अच्छा सिर्फ वलीमे पे सिर्फ जो पेस्टल कलर्स है वही चल रहे हैं बाकी ब्राइट कलर्स लोग प्रेफर करते हैं बारात में जनाब और मिसाल ये भी मैं देखते हैं कोई आप ये क्या है ये थोड़ा सा मॉडर्न सा है ये केप है रियली नाइस और इसको आप किसी भी फंक्शन पे पहन आप इसको ब्राइडल शॉप पे भी पहन सकते हैं Yes. है ना हाँ. ये ब्राइडल शाव वाला ड्रेस और ये मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ, अच्छा ये बहुत एंटर होते अच्छा साथ ही ये बहुत अच्छा जबरदस्त अच्छा मुझे कलर्स के हवाले से कितना एक्सपेरिमेंट आप करती हैं क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कलर्स को लेके एक्सपेरिमेंट करें क्योंकि वो अब लोगों में थोड़ी सी ना अवेयरनेस आ गई वो कलर्स बहुत अच्छी तरह से कैरी कर ले मतलब फंकी कलर्स भी आप डाल दो थोड़े से सटल भी डाल दो तो वो कर लेते हैं कैरी कर रहे हैं क्योंकि आजकल मेकअप और ज्वेलरी हर चीज का इतना वो हो गया है बहुत ज्यादा वो सारा कुछ करके तो बहुत अच्छा लगता है अच्छा जनाब ये वेलवेट्स में भी हम थोड़ा देखें क्योंकि वेलवेट्स का रुझान बहुत ज्यादा है क्योंकि विंटर्स हैं जी हां दिस स्लीव इज नाइस ये थोड़ा स्लट के साथ है जनाब ये वो ही ना कट्स डिफरेंट हो तो लोगों को भी अट्रैक्ट करते ये देखें जी हाँ मैंने भी वेलवेट पहन लिया मेरे प्रोड्यूसर फौरन कह दिया आपने भी वेलवेट पहना हुआ आज एक ये काम के साथ है वेलवेट पे ये कितना खूबसूरत लग गया आज मिशाल अपने आउटलेट का भी बता दें और जो खवातीन अभी कॉल करके पूछने वाली हैं हमें बताएं कहाँ पे है तो उनको भी आइडिया हो जाए और अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन भी है और बाय अपॉइंटमेंट में मिलती हूँ लवली लवली स्टूडियो में कभी भी किसी भी टाइम और फिर आके ऑर्डर कर सकते और मिशाल उस्मान जनाब इनका नाम है और इसी नाम से अपना ब्रांड चला रही है डेफिनेटली आप इनका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज विजिट करेंगे क्योंकि मैंने तो मिशाल को फॉलो किया हुआ है तो मैं देखती रहती हूँ अच्छा जनाब ये जो ड्रेस है जो मेरे पीछे है मैं थोड़ा सॉरी पीछे आ रही हूँ
इसके हवाले से मिसाल ये मेहंदी के लिए है स्पेसिफिक मेहंदी के लिए अच्छा ये कलर चूज करने का क्या क्योंकि मेहंदी पे टिपिकली वही कलर होते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए क्योंकि वो तो टिपिकल हो जाते हैं ना ग्रीन और ऑरेंज और वो इसको थोड़ा सा चेंज लाने के लिए मैंने ऐसे किया इसके बैक पे भी है पूरा काम अच्छा लवली और फ्रंट पे भी और ये लहंगा चोली तो वैसे ही बहुत इन है हाँ लहंगा चोली तो ब्राइड्स वैसे भी ब्राइड्स के अलावा भी जिनकी क्लोज हो वेडिंग वो भी अभी अब रिसेंटली मैं कल परसों एक वेडिंग अटेंड कर किया वहाँ पर लिटरली ब्राइड के साथ साथ सारी कजिन्स ने इस तरह के लहंगे चोलियां ही पहने वो भी थीम कर लेते हैं थीम कर लेते हैं और थीम वेडिंग्स तो वैसे भी बड़ी जबरदस्त लगती है मिसाल ये आखिरी ड्रेस भी आप प्लीज दिखाइएगा ये वाला ये भी मेहंदी पे पहन सकते हैं और बारात पे भी पहन सकते हैं ये भी इस पे भी काम है पूरा टिश्यू पे अच्छा कलर दुपट्टा अभी भी चल रहा है मतलब क्या आप एक ड्रेस एक कलर का और डिफरेंट कलर का दुपट्टा ऐसे चल रहा है वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल तो ऐसे है कि जो भी पहन लो बस आपको कैरी करना आना चाहिए हाँ और कैरी करना और कभी कभी डिजाइनर्स बेचारे थोड़े अजीब से भी हो जाते हैं जब वो इतना खूबसूरत ड्रेस डिजाइन करके दे और क्लाइंट उसको सही से कैरी ना करे ये प्रॉब्लम मैंने उस दिन भी पूछी आए मिसाल वापस चलते हैं और अभी हम मलाइका से भी जानते हैं मलाइका आप भी चूंकि मॉडलिंग की फील्ड से हैं तो आपको भी लगता होगा आप भी रोज तैयार होना मेकअप करना डिजाइनर के ड्रेसेस के साथ जस्टिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है बिल्कुल मैं इस वक्त मैं नाम ले सकती हूँ उनका जो जिन बिल्कुल बिल्कुल अरव्याज ब्रांड है उनका मैं यूज करती हूँ और उनके भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं जैसे इनके हैं तो इनके भी बड़े डिफरेंट और फंकी से हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मतलब इस तरह के ड्रेसेस स्टाइलिश तो कैसे अब समटाइम्स डिजाइनर जब आपको ड्रेस डिजाइन करके देते ना उसकी डिमांड होती है कि अच्छा इसके साथ आपने ऐसे रेडी होना है तो कर लेती हैं आप हाँ बिल्कुल मैं बल्कि उनसे ज्यादा अच्छा करके दिखाती हूँ अच्छा जब पिक्चर्स आती है ना जब पहने होते हैं तो फिर वो बहुत बंदे को खुशी होती है और मिसाल कभी कभी अफसोस भी हो जाता है जब आप किसी को ड्रेस डिजाइन करके दे और उसने मेकअप अच्छा ना कराओ या बाल भी अच्छा और मुझे मैसेजेस करते हैं कि आपने अभी तक हमें पिक्चर्स नहीं सेंड की तो फिर मैं स्पेशली अगर मैं कहीं किसी इवेंट पे नहीं भी ये मेरी जिंदगी की कहानी अच्छा अगर मैं कहीं नहीं भी गई किसी इवेंट पे या किसी जगह पर जहाँ मैंने उसको वेयर करना होता तो देन मैं फिर घर में ही तैयार होके लिपस्टिक लगा के ये तो मुश्किल आप क्यों करती है डेफिनेटली क्योंकि ड्रेसेस मेरे पास आए हुए होते हैं सो मतलब ये दिस इज नाइस ऑब्वियसली फिर उनको भी तो होता है ना डिजाइनर्स को भी हमारे हमारी मॉडल या हमारी एक्ट्रेस उसको अगर वेयर करे उनको खुशी होती है ना भी अपनी वो अपने पेज पे लगाएं और लोगों तक वो चीज जाए जाहिर है और अच्छा कैरी भी किया तो उनको और ज्यादा कि मॉडल की कैरी डिजाइनर के अंदर से बात आ रही है बिल्कुल मॉडल है ना मुझे अच्छा कैरी भी किया होगा मार्केटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है अपने ब्रांड की क्योंकि मुझे लगता है जब तक लोगों को पता नहीं होता तब तक आपकी वो सारी चीजें भी बैग इन पे रह जाती बिल्कुल मार्केटिंग तो आजकल सोशल मीडिया पे ही है और फेसबुक हो गया वो स्नैपचैट बहुत ज्यादा और इंस्टा जब आप किसी शादी पे जाते हैं और स्पेशली जब आप डिजाइनर हो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है जब कोई डिजाइनर मुझे पता ये डिजाइनर है तो मैं हमेशा उसके कपड़े देखती हूँ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बिल्कुल इसने ऐसा पहना होगा इसने ऐसा पहना होगा आपका खुद ड्रेसअप होने को कितना दिल कभी नहीं भी दिल कर रहा होता तैयार होने को फिर होता है कि नहीं सबने देखना है तो तैयार होके जाना है आप देखेंगे तो आप आएंगे ना हमें देखेंगे तो उन्हें पता होगा कि ये देखो इतने जबरदस्त जोड़े पहने जब हमने अच्छा नहीं पहना होगा तो वो कहेंगे अच्छा उनको पता कैसे चलेगा ये डिजाइनर अच्छा बहुत सारे ट्रेंड्स मिसाल बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ आपको लगता है कोई एक बोस ट्रेंड आया हो जिसका आपको डिजाइन करने का भी दिल ना कर रहा हो चाहे वेडिंग में हो चाहे सेमी फॉर्मल कैजुअल में हो कोई ऐसा ड्रेस या कोई ऐसा कट या कोई ऐसा कलर जो कुछ है कुछ रैप्स उस तरह के हैं कि लोगों को होता है लेकिन मेरा वो दिल नहीं करता करने नहीं कर रैप्स में कुछ ऐसे करके है कुछ मुझे नहीं अच्छा लगता मतलब अच्छा? कुछ सेंस तो होनी चाहिए ना ये तो नहीं ना कि जो इन है आप वो ही बनाते जाओ और उसकी कोई सेंस ना बन रही हो चीप लग रहा हो बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं वो तो ऐसे चलता है मतलब आपको मैंने बनाए हैं रैप्स भी बनाए हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो नहीं करता अच्छा आउट भी हो गए आउट हो गए अच्छा आपकी जाने वाले मलाइका कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें अपनी आने वाले काम के हवाले से जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं उस हवाले से एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि अभी ऑन एयर नहीं हुए अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि सब मेरी ये दुआ करें कि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अल्लाह करे जल्द अज जल्द ऑन एयर हों और उसमें मुझे सक्सेस मिले और बाकी मैं कहती हूँ कि अगर आपके दिल में किसी चीज़ की ये ख्वाहिश होती है अगर आपके अंदर वो मेहनत है तो आप वो काम ज़रूर करें ज़रूर करें बिल्कुल करें
अच्छा मलाइका, कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस बुरे एक्सपीरियंस डेफिनेटली होते हैं इस इंडस्ट्री में, कितने अच्छे लोगों से आपकी इंटरेक्शन हुई, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहें एक हमारे साथ? हाँ नहीं, मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि दूसरे लोगों को देखने वालों को लगता है कि शायद मीडिया फील्ड में लोग अच्छे नहीं हैं, तो ये ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर पैशन है तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती, कभी भी नहीं रुकते। अगर आपके एक फ्रेंड ने आपको रेफर किया, आगे से आगे अल्लाह ताला की जात जो होती है वो आपके रास्ते बनाती है। अगर आप मेहनत करने वाले इंसान हैं तो आपको एक दिन वो तरक्की जरूर मिलती, सक्सेस जरूर मिलती है। तो मतलब अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, मानती हूँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बुरे लोग भी होते हैं लेकिन वो हर फील्ड में होते हैं। इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि मैं समझूं कि मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस है, नेवर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मलाइका, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए, आप इसी तरह से तरक्की करें। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिसाल हमारे साथ ना मौजूद है लेकिन हमें और मेहमान भी ज्वाइन करने वाले हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।